शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी स्थानीय समाजवाद नगर से भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। श्री मां बिजासन गरबा मंडल समाजवाद नगर इंदौर के तत्वावधान में आयोजित इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में भक्तगण शामिल थे। वही विभिन्न मनोहारी झांकी भी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ की इस शोभा यात्रा में भक्तगण जमकर थिरकते हुए चल रहे थे। यात्रा समिति से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि यात्रा का ये पांचवा साल है, जिसमें नगर के सभी सदस्यगण सपरिवार शामिल होते हैं। सर, पाँच वर्षों से निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? धार्मिक आयोजन को बढ़ावा देना। ये यात्रा में से क्या क्या चीजें हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? झांकी है, डीजे है, बैंड बाजे है, ढोलक है, मेला है। ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? ये अपने समाजवाद नगर में राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होगी और वापस वहीं पे समापन होगा। इसमें आपकी क्या भूमिका है इस यात्रा में? इस यात्रा में सभी की भूमिका है, जितने भी मेरे यार दोस्त थे, सभी के सहयोग से होता है। ये यात्रा का पांचवा साल है और ये यात्रा सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आज शादी का दिन है और काफ़ी लोगों में इसको लेकर उत्साह भी है और उत्साह के कारण सब पूरे भारत में शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और इसी खुशी में सभी लोग यहाँ से यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा में ऐसी क्या विशेषता है जिसमें इतनी तादाद में भीड़ है? इस यात्रा में सारे लोग एकत्रित हैं, सब लोग एक संगठित हैं, संगठन बना के पूरा और पूरा पूरी प्लान करके उस यात्रा को निकालते हैं। हनुमान मंदिर समाजवाद नगर से आरंभ हुई ये यात्रा लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के बाद पुनः मंदिर पर जाकर समाप्त हुई।